કરીએ આપણે જતા રહી પછી તમારે વાત सक्करबाग ज़ू में पिंजरे का जो बिल्कुल बाहरी का पिंजरा मतलब एनिमल हाउस जो है उसके बिल्कुल बाहरी एक एनिमल हाउस का जो दरवाज़ा है उस वो जो कीपर था उसकी थोड़ी बहुत गलती से खुला रह गया और लाइनेस जो राधिका नाम है वो बाहर बिल्कुल एनिमल हाउस और पिंजरे के बाहर आ गई और करीबन 3 से ज़्यादा घंटा मेहनत करने के बाद उसके ऊपर लोकेट करते हुए आगे बढ़ते गए तो उसका जो खुद का पिंजरा था उसके पास आके जो मेन दरवाज़ा पहले से ही हमने उसकी वजह से खुला रखा था कि खुले दरवाजे में वापस आ जाए तो करीबन 3-4 घंटे के बाद वो वापस पिंजरे के अंदर आ गई। अभी एकदम सेफ है, लॉक एंड की में एनिमल मतलब लाइनेस को रख दिया है, कोई खतरा नहीं है किसी के ऊपर। अहमदाबाद से मैं आई हूँ, फिर ये सक्करबाग का बहुत नाम सुना था और देखने के लिए हम ज़ू में आए। फिर 1 बजे 1.5 बजे हम सक्करबाग में दाखिल हुए, फिर बहुत शांति थी, देख रहे थे हम। फिर 1 घंटे के बाद हमको पता चला कि वो वॉचमैन ने बताया कि ये सियान वो बाहर निकल गई है। फिर हम मन में बहुत चिंतित होकर निकल गए ज़ू में से।
और हमको पता चला कि वो एक को गार्ड को वो उसको घायल किया हुआ है। फिर बहुत हम मन में चिंतातुर होकर बाहर निकल गए, सब लोग गंभीर होकर बाहर निकल गए और जीवन कर दिया।